अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर हो, आप फिर से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यूमेरिकल नंबर 4.1 है, अ मैन पुशेस अ लॉन मोवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। फाइंड दी वर्क डन बाई दी मैन एज ही कट अ स्ट्रिप ऑफ ग्लास 20 मीटर लॉन्ग। फोर्स दी हुई है, डायमीटर लेंथ दी हुई है, आप लोगों को एंगल दिया हुआ है, वर्क फाइंड आउट करना है। कॉमन सा फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, एफ डी कॉस थीटा, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ईजीली आ जाएगा। उसके बाद जी 4.2 में आप लोगों को मैस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन बाई फ्रिक्शन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। W इक्वल टू डब्ल्यू एच वन, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच में आप लोग जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप लोगों के पास ईजीली आंसर आ जाएगा 0.0328 जाउल। उसके बाद 4.3 में आप लोगों के पास हाइट है, मैस है, नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, वर्क डन फाइंड आउट करना है। एम जी एच इंटू 1 + 2 + 3 9 तक हम इसे ऐड करेंगे और आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा जब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 4.4 में आप लोगों के पास मैस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो दिया हुआ है, फाइंड आउट आपने करना है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स और बताना है व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एफ डी इक्वल टू 1/2 mv² -1/2 mv² आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, -1500 न्यूटन आंसर आ जाएगा। और लिख देना नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग ऑन मैग्नीट्यूड इज 1500 न्यूटन। 14.5 है हमारे पास मैस दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है और लेंथ भी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वैल्यूज़ पुट करनी है आप लोगों ने और आप लोगों के पास 10 m/s आंसर आ जाएगा। 4.6 में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी पावर। डेंसिटी इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, मैस इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। मैस 10^5 kg है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड पे हमने पावर फाइंड आउट करनी है तो W/T mgh/T इस पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल, पावर फाइंड आउट करनी है। इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे P = FV cos θ FV cos 0° और ये आंसर आ जाएगा। 4.8 में मैथ दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स रिक्वायर्ड और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4.9 पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे वेट हमें दिया हुआ है h1 h2, h = h1 - h2 और 5 m आ जाएगा। हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे स्पीड, mgh1 - mgh2 = 1/2 mv² mg कॉमन निकल आएगा h1 - h2 वैसे ही रहेगा। उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम और आंसर आ जाएगा। स्पीड हमारे पास दी हुई है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 4.10 में, हाइट दी हुई है और स्पीड ऑफ चाइल्ड एट बॉटम और परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी लॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, इजीली आप लोगों को नोट्स मिल गए होंगे। आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।